नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल और आज लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। अभी हमने फिजिक्स का मॉडल पेपर दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अगर आप इन मॉडल पेपर्स को हल कर लेते हैं, इसका आंसर भी दे देंगे, पीडीएफ में मिल जाएगा आंसर, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो हम कमेंट में लिंक आपके भेजेंगे, क्योंकि जो कमेंट करेगा उसी को लिंक मिलेगी इस मॉडल पेपर के आंसर की। और अगर इन मॉडल पेपर को आप हल कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि चार चार दो दो तीन तीन चार चार मॉडल पेपर दे देंगे हम। और इन मॉडल पेपर को अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स कर सकते हैं केमिस्ट्री मॉडल पेपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे और हमारे चैनल का नाम है टेक्नो प्लस स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो ये है आपका, सबसे पहले जैसा कि देख रहे होंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, और 3 घंटे 15 मिनट 70 अंक है आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको इसमें क्या क्या चीज निर्देश हैं, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न में कुल 7 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न यहाँ रहेंगे और कितने खंड करने ये भी बताया जाएगा, अंक कितने मिलेंगे वो भी अंकित रहेगा। और प्रश्न कहाँ तक कैसे करना है, प्रारंभ कीजिए कहाँ तक कीजिए, जो प्रश्न आता है उसमें नष्ट करें, कुछ चीज़ें सूचना दी गई सूचना को पढ़ लीजिएगा। पूरी सूचना पढ़ने के बाद ये है आपका घन नंबर बिलियन, जिसमें ये है प्रति इतना लीटर उपस्थित है तुल्यांक की चालकता, सेमी चुलांक तुल्यांक किसकी चालकता होगी, चालकता इसमें पूछा गया कौन सा सही होगा। और संचालित वाहन में टायर निर्मित होते हैं किसके कारण, ये संचालित वाहन में टायर कौन सा होता है इसको बताना है। उसके बाद चार नंबर दिखते हैं, यह चार नंबर इसमें कौन सा सही है, आपके लिए कोड कौन सी होगी कोड ही बताना है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसमें आपको दो नंबर के क्वेश्चन हैं, जो भी रहेंगे 5-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो कुछ भी रहेंगे उतने करने पड़ेंगे। तो पहला ये होगा प्रसरण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। उसके बाद ये है आपका 24° सेंटीग्रेड पर एक सर्कल बिलियन का प्रसरण दाब इतना वायुमंडल है, बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति मोल लीटर में ज्ञात करना है। दो नंबर के ये दो पीछे मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद आपका ये है आपका, इसमें देख लीजिएगा, ये एक संकुलन योगी को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का और 6 प्राप्त होता है, इस बिलियन के मोलर चालक तो कुल 2 आयनों में संगत होती है, तो योगी का नाम और सूत्र सूत्र देना है। अगला है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल और थायोनिक अम्ल की संरचना लिखना है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, एक एफसीसी संरचना वाले धातु का परमाणु त्रिज्या जिसका ये 500 पिकोमी है और इसका मात्रक कोष्ठिका के किनारे की घनिष्ठ लंबाई क्या होगी, ये बताना 2 नंबर का आपका है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन खा नंबर, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरते समय 3D कक्षक में 4s कक्षक से भारी पहले भरी जाती है, परंतु परमाणु के आयन के दौरान इसकी बिल्कुल विपरीत होती है, स्पष्ट करना है। ये गा नंबर है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक में क्या अंतर है, एक एक उदाहरण देना है। उसके बाद आपका गा नंबर है मौलिक परीक्षण क्या है, किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद 4 नंबर में आपका एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद मिथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षार की है समझाइए, एंजाइम की क्रियाविधि को 2-2 पदों में समझाइए, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना है। रासायनिक अभिक्रिया ये है आपको, उसके बाद आपका घन नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करना है। घन नंबर यम का आयन यानी 27Z मान है, प्रमाण क्रमांक जो कुछ भी है। चक्रण चुंबकीय घूर्ण गणना के लिए और 2 लेंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखकर उसकी ऑक्सीजन अवस्थाएं भी लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, इन क्वेश्चन के आंसर देना है। 5 नंबर का नंबर है कि आयस तथा खनिज में अंतर, पहला नंबर 2 नंबर के हैं, अदर यानी साल तो विरोधी साल के अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ये एल्किल हैलाइडों में ये आबंध कैसा होता है, प्रतिरोध क्रियाओं को क्रियाविधि उदाहरण देकर समझाना है। और उसके बाद
घ नंबर है, ठोस उत्प्रेरकों को चूर के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है ये। उसके बाद समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक के उदाहरण देकर समझाना है। उसके बाद 2 ग्राम एसिटिक अम्ल को इतने बेंजीन विलयन का हिमांक घट जाता है तो बेंजीन एसिटिक में विलयीकरण की मात्रा को गणना करना है। इस तरह से ये था 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन में आपको पहला है कि पुराने मकान की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे और दुधिया हो जाते हैं क्यों? अकृष्टीय ठोस को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण दीजिए। 1 ग्राम द्रव्यमान के NaCl के घनी या 10 क्रिस्टल में कितने इकाई सेल उपस्थित होते हैं ये बताना है। मान सबको दिया गया है और अथवा करके ये क्वेश्चन चाहे इसको करें चाहे अथवा हम इसको करें ये आपको दोनों कर लेना है। जिसमें असंख्य गुणों द्वारा मापन करने के लिए कुछ विलेय पदार्थ मोलर असमान प्रत्ययों प्राप्त होते हैं वन हाफ के गुणक के आधार पर की व्याख्या करना है। और ये यौगिक को 4, 18 और 240 ग्राम खोलने पर वायुमंडल ताप पर कितना विलयन का क्वथनांक इतना और यौगिक का भार इतना ग्राम जल मान दिया गया है। उसके बाद आपका ये है खा नंबर। इसमें खा नंबर कुछ प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एस्टर का निर्माण होता है क्यों? एस्टीकरण क्रिया लिखना है। एस्टीकरण अब क्रिया लिखनी है अथवा अगर इसको नहीं करते हैं तो थोक रूप में इन सबको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से एसीटोन के निर्माण के लिए रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। ये वाला है तृतीयक एल्कोहल से और कार्बोनिक अम्ल से। स्टीफन अभिक्रिया को समीकरण लिखिए। स्टीफन अभिक्रिया को समीकरण लिखिए। उसके बाद जब साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड निम्नलिखित में अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद ये बताना है। उसके बाद पीएच एमबीआर ये है पीएसएनजीबीआर और ईएसटीओ टॉलेन अभिकर्मक ये बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन है ये गिलनार्ड अभिकर्मक का उपयोग करते हुए समय नमी से थोड़े अंशों से भी बचना क्यों आवश्यक है इससे नमी से। और ये आप क्रिया को पूर्ण करना है। ये आप क्रियाएं पूर्ण करने के लिए जरूर आएंगे। आप क्रियाओं को पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सी क्रिया क्या है। उसके बाद अथवा में दिया गया इसको भी हल कर सकते हैं। चाहे अथवा के पहले को हल करिए चाहे अथवा के बाद को इनको हल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन से पढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। खा नंबर है आपका ये कि डिटॉल में प्रतिरोधी गुण किस रासायन के कारण होता है ये आइसपिन स्प्रिन जो औसत हृदयाघात से बचाती है स्पष्ट करना है क्यों क्या होता है कैसे होता है दवा। यह स्प्रिन एक दर्द में आराम देने वाली जो रोधी औषधि को दीर्घ दौरे हृदयाघात रोकने में होता है तो उपयोग की जाती है समझाइए इसको बताना है। साबुन में निर्मित ये बताना है कि साबुन में निर्मल शोधन के मिसेल सिद्धांत को बताना है। याद कर लें मिसेल सिद्धांत को याद कर लेना है। इस मॉडल पेपर में नहीं तो अगले मॉडल पेपर में भी हम बता देंगे और इसका आंसर मिल जाएगा अथवा करके इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ तक एक क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को आपको हल कर लेना है। क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। अगर नहीं हल कर सकते कहेंगे तो मॉडल पेपर का इसका हम सोल्यूशन दे देंगे। पीडीएफ में पीडीएफ लिंक उन्हीं को मिलेगी जो कमेंट करेंगे उनको पीडीएफ लिंक हम दे देंगे। वो जाकर डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके इसको उसका आंसर लिख लेंगे और हल कर लेंगे। इसी तरह से हम 2-3 मॉडल पेपर इसका दे देंगे। 2-4 मॉडल हम फिजिक्स के दे देंगे। इसी तरह हिंदी का दे देंगे। सभी को मॉडल पेपर देंगे। अगर इन मॉडल पेपर को हल कर लेंगे तो आपको 80% मार्क्स जरूर आ जाएंगे। 100% ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक मॉडल पेपर को हल करना है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो आपको जरूर हर वीडियो मिलेगी और हमें सहायता करना है। हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे हर वीडियो। अगर मोबाइल और टेक्निकल वीडियो चाहिए कंप्यूटर से तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी। हाई स्कूल की वीडियो चाहिए मैथ या हर सब्जेक्ट की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। सभी वीडियो पड़ी हुई हैं आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है आपको हाई स्कूल के सभी कैसे कैसे त्रिकोणमिति के नियम कानून सारी चीज़ें बताए गए हैं। सूत्र को कैसे बनाना ट्रिकी मैथ भी बताएं। बस आपको देख लेना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करके प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। टेक्नो प्लस स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक्नो प्लस स्टडी चैनल को ठीक है। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए संसुत कुमार को इजाज़त। नमस्कार जय हिंद।